स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है उस स्टूडेंट्स के लिए, उस लड़कियों के लिए और जो वर्क फ्रॉम होम लोग कर रहे हैं उनके लिए। एक्चुअली आज मैं अपने स्टडी टेबल विथ ड्रेसिंग टेबल्स पे आप कह सकते हैं इसको मैं ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने कुछ DIYs का यूज़ किया है, कुछ आइडिया का यूज़ किया है, कुछ इंटरेस्ट से भी मैंने आइडियाज़ लिए हैं जिसकी हेल्प से मैंने अपने एक टेबल को, स्टडी टेबल विथ ड्रेसिंग टेबल्स आप कह सकते हो, उसको मैंने डेकोर किया है जिससे कि मेरा वर्क बहुत ही ईजी हो सके और मेरा स्टडी प्लानर और वर्क प्लानर बहुत ही ईजी हो सके। और इस बार मैंने अपने रूम को डेकोर करने के लिए, अपने टेबल को डेकोर करने के लिए कुछ नए आइडियाज़ का यूज़ किया है। विदाउट एनी डिले लेट्स बी स्टार्टेड। तो दोस्तों मेरा फर्स्ट DIY ये है जो कि है एक मेकअप ऑर्गेनाइज़र। मैंने इस ऑर्गेनाइज़र को बनाया है, इसको भी मैंने कार्डबोर्ड की मदद से ही बनाया है, तो आप देख सकते हो। और उसमें मैं इसके लिए, इसको बनाने के लिए मैंने इस कार्डबोर्ड का यूज़ किया है मेरे पास फ्लिपकार्ट के बॉक्स से। तो मैं वेस्ट हमेशा, अक्सर मैं वेस्ट चीज़ों से ही बनाती हूँ, तो ये आप देख सकते हो मैंने एक ऑर्गेनाइज़र पहले से बना रखा था और एक ये दूसरा ऑर्गेनाइज़र मैंने इसे बनाया है। तो इसको मैंने कार्डबोर्ड से बनाया है और अभी मैं इसको कवर अप करने के लिए और इसके ऊपर एक बॉक्स बनाने के लिए जिसके के ऊपर मेरे बड़े बड़े सामान रख सकें, जैसे कि ऑयल वगैरह के कंटेनर्स और उसके बाद पाउडर वगैरह जिसके कि बॉटल बड़े बड़े होते हैं, उसके लिए मुझे चाहिए था कि मैं थोड़ा अलग सा बनाऊं और इसको कवर अप कर सकूं। तो इसके लिए मैंने इस कार्डबोर्ड की मदद ली है और इस कार्डबोर्ड को अभी मैं कट करने वाली हूं। और ये देखिए मैंने इसको मेजरेबल साइज में कट कर लिया है। आपको जिस भी साइज का आपको ये बनाना हो ऑर्गेनाइज़र अपने टेबल के या फिर अपने जो भी जिस भी जगह पे आपको रखना है, अब उस जगह के हिसाब से उसको कट कर सकते हो। तो मैंने इसे कट कर लिया। उसके बाद मैं ये एक ऐसा शेप देने वाली हूँ इसको। तो इस शेप के लिए मैंने इसको पहले मार्क कर लिया है अच्छे से, पूरा मैंने अच्छे से स्केल की मदद से मार्क कर लिया है ताकि कुछ भी इसका लेंथ और वेट कुछ भी ख़राब ना हो और मुझे बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए ये मैंने कट कर लिया है, आप देख सकते हो। अभी कट करने के बाद मैं इसको रैप कर दूँगी। तो रैप करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, मैंने इसको अच्छे से जोड़ लिया है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैं इसके ऊपर सोच रही हूँ ये ऐसे कवर अप करूँ, लेकिन वो मुझे सही नहीं लग रहा। तो इसके बाद मैंने ये लेस का यूज़ किया है, मैं सोच रही हूँ उसको थोड़ा डेकोर कर दूँ, तो इसलिए मैंने डेकोर करने के लिए ये लेसेस का यूज़ किया है जो मेरे पास लेसेस पड़े हुए हैं। तो आप चाहे तो मार्केट से और भी चीज़ें ले सकते हो और, मगर मैंने इन लेसेस का यूज़ किया है तो आप देख सकते हैं। उसके बाद मेरा ये DIY कंप्लीट हो चुका है गाइस। तो मेरा सेकंड DIY है दोस्तों ये ऑर्गेनाइज़र जिसको कि मैंने कार्डबोर्ड की मदद से ही बनाया है। ये मेरा सेकंड ऑर्गेनाइज़र है, इसमें मैंने बुक्स वगैरह रखने के लिए, मेरे कुछ कॉस्मेटिक्स के सामान, मेरी इयररिंग्स वगैरह और कुछ स्टेशनरी के क्राफ्ट के आइटम रखने के लिए मैंने बनाया है। तो इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो, पहले तो मैंने कार्डबोर्ड जो रखा था वो कुछ इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था और अपनी किताबें एक साइड रखी थी, एक साइड लैपटॉप पर। मुझे ये सही नहीं लगा तो इसलिए मैं पहले इसको चेंज करने वाली हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले तो मुझे ये एरिया पूरा क्लीन करना होगा। तो अभी मैं सारी चीज़ों को क्लीन कर लेती हूँ, फटाफट से सभी चीज़ें हटा लेती हूँ, तभी मैं इस ऑर्गेनाइज़र को न्यू लुक देने वाली हूँ। तो चलिए पहले मैं सभी चीज़ों को अच्छे से हटा लेती हूँ।
अभी दोस्तों मैंने इसको क्लीन कर लिया है और मैंने इसे ऐसे लंबे में रख लिया है। और इसके बाद अभी आप देख सकते हो मैंने कुछ लकड़ियाँ ली हैं, मैं उसके हेल्प से थोड़ा इसको मेज़रमेंट करके सपोर्ट देने की कोशिश कर रही हूँ। फिर मैं इसी जगह पे सारे पेपर्स वगैरह अटैच करूँगी और फिर मैं इसको अच्छे से पेस्ट कर दूँगी। तो आप ये देख सकते हो मैंने इसको इस हिसाब से ही जितने भी लेंथ का चाहिए मैंने ऐसे उस हिसाब से लगा लिया है। तो अभी मैं सारी लकड़ियाँ रिमूव करके इसको फिर से मैं लगाने वाली हूँ। तो पहले उसके लिए मैंने पहले अच्छे से टेबल पे मैंने ये पेपर बिछा लिया है। मैंने इसके ऊपर दोस्तों दुपट्टा लगा दिया है, अगर आपके पास मैट हो तो आप मैट भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं अपना थर्ड DIY बनाने वाली हूँ। तो मेरा थर्ड DIY है ये बुक सेल्फ ऑर्गेनाइज़र। ये बुक ऑर्गेनाइज़र को मैंने कार्डबोर्ड की मदद से ही बनाया है। इसमें मैंने मुझे मेरी कुछ किताबें कुछ फाइल्स थे जो कि उस ऑर्गेनाइज़र्स में आ नहीं रहे थे बड़े वाले, तो इसके लिए मैंने ये अलग से ऑर्गेनाइज़र को बनाया है। तो इस ऑर्गेनाइज़र को बनाने के लिए चलिए देख लेते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने यूज़ किया है। उसके बाद दोस्तों मैंने अपना ये थर्ड DIY बनाने के लिए कुछ कार्डबोर्ड का यूज़ किया है। एक्चुअली मुझे बुक ऑर्गेनाइज़र्स बनाने थे और बुक ऑर्गेनाइज़र्स के लिए मुझे थोड़ा कार्डबोर्ड की ज़रूरत थी और उसके बाद मुझे एक ऑर्गेनाइज़र बनाना था। तो इसके लिए मैंने ऐसे पहले तो कार्डबोर्ड के कट कर लिया है, फिर उसके बाद मैं इसको जॉइंट कर ले रही हूँ और जॉइंट करने के बाद मैं इसके ऊपर पेपर लगा दूँगी। एक्चुअली मेरे पास जितनी किताबें हैं और नोट्स हैं उसी के हिसाब से मैं उतनी ही चौड़ाई की बना रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ऐसे मैंने इसको बना लिया है और उसके बाद इस तरीके का इस शेप में इसको मैंने रखा है। तो आप देख सकते हो पूरा ये अच्छे से बन चुका है। अभी मैं इसके ऊपर पेपर लगाने वाली हूँ। तो मैं ये इस तरीके के मार्केट में पेपर आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये देखिए मैंने पेपर लगाने के बाद इसको अच्छे से बना लिया है। तो आप देख सकते हो यह भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है। उसके बाद मैंने कुछ अपने तो दोस्तों मेरा ये ऑर्गेनाइज़र बुक सेल्फ ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया है और इसमें मैंने अपने फाइल वगैरह ये सारी चीज़ें रख ली है जो कि बहुत ही ईजली आ गया है और इसको रखने में मुझे बहुत आसानी हो रही है क्योंकि बड़े बड़े जो मेरे फाइल्स वगैरह थे वो मैंने जो बुक सेल्फ ऑर्गेनाइज़र बनाए थे उसमें आ नहीं पा रहे थे। तो इसके लिए ये जब मैंने आइडिया लिया तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद चलिए तो मेरा ये फोर्थ DIY है, ये है एक नोटपैड कह सकते हैं आप, जिस पे मैंने एक कैलेंडर बना रखा है और एक नोट्स बना रखे हैं वीकली और कुछ नोट्स रखे हैं कि जिससे मैं इसको रिमाइंडर कर सकूं प्लानर के हिसाब से। तो इसके लिए आपको ये ईज़िली बहुत ईजिली टैम्पलेट मिल जाएगा आपको नेट पे। तो इस तरह का टैम्पलेट मैंने प्रिंट कर लिया है। उसके बाद आपको ये जो भी चाहिए कैलेंडर, अगर आप चाहें तो बड़े साइज में भी कर सकते हो, तो मैंने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग उसको कैलेंडर को भी प्रिंट करके कट कर लिया है और ये मैंने वीकली प्लानिंग को भी निकाल लिया है प्रिंट करके कट कर लिया। उसके बाद मुझे ये नोट्स बनाने के लिए इस तरीके का कार्डबोर्ड चाहिए था, तो ये मैंने कार्डबोर्ड इस तरीके का ले लिया है और अभी मैं इसको और भी अच्छा लुक देने के लिए इसको मैं रैपिंग पेपर से रैप करूँगी। तो ये इस तरह का रैपिंग पेपर आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा दोस्तों मार्केट में और ये बहुत ही सस्ता आता है, इसका कोई भी कॉस्ट नहीं आता ज़्यादा। फिर उसके बाद ये इस तरह के पेपर पे मैंने कुछ डिजाइंस को भी प्रिंट कर लिए हैं, तो आप देख सकते हैं अभी मैं इन सभी को कट कर ली हूँ और कट करने के बाद मैं इसको इस पे चिपकाऊँगी जिससे थोड़ा सा लुक इसका और भी ब्यूटीफुल लगे और इन्हेंस हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने ये अपना प्लानर बना रखा है वीकली प्लानर और इस वीकली प्लानर को भी मैं इन्हेंस करने के लिए इसके कलर को, इसके लिए मैंने ब्लैक कलर का नीचे एक पेपर लिया है स्पार्कल पेपर। उसके बाद मैं इसको थोड़ा डेकोर करने के लिए इस तरीके से सोच रही हूँ थोड़ा स्टोन्स वगैरह लगा देती हूँ, तो ये मैंने लगा लिया है। अभी मेरा सारा सब तैयार हो गया है। उसके बाद मैं इसको अभी वॉल पे पेस्ट कर दूँगी। तो वॉल पे पेस्ट करने के लिए आप चाहे तो फेविकोल की मदद लीजिए या फिर डबल साइडेड टेप की। तो ये आप देख सकते हैं इसको मैंने वॉल पे लगा दिया है और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैंने इसको कबर्ड के वॉल पे लगाया है तो
ये इजीली चिपक गया है डबल साइडेड टेप से, कोई दिक्कत तो आई नहीं है। तो गाइस मुझे, मेरे पास ये एक डायरी थी, मुझे हमेशा से एक डायरी रखने का बहुत ही शौक़ है, क्योंकि इसमें मैं कुछ भी इम्पॉर्टेंट सी चीज़ें होती है तो मैं तुरंत लिख लेती हूँ। तो अभी मैं इसको लेकिन डेकोर करने वाली हूँ, तो इसके लिए मैंने ये पेपर का यूज़ किया है। तो इस तरीके एक पेपर आप देख सकते हो, मैं इसको कवरअप करने वाली हूँ जिससे कि इसका लुक थोड़ा और ही इन्हेंस हो जाए। तो चलिए कवरअप कर लेते हैं। तो ये कवरअप करने के बाद ये मैंने ऐसे बना लिया है। फिर इसके बाद मैंने एक पेन होल्डर, इसको ग्लिटर पेपर की मदद से एक पेन होल्डर बना लिया है ताकि मैं इसमें पेन हमेशा साथ में रख सकूं। तो इसके लिए मैंने ये पेन होल्डर बनाया है। तो आप देख सकते हो मेरा ये डायरी अभी तैयार हो गया है, और इसको मैंने अपने टेबल पे मेन प्लेस पे रख दिया है ताकि मैं इसको यूज़ कर सकूँ हमेशा। उसके बाद दोस्तों ये मेरे पास कुछ कोटेशंस, इसको मैंने प्रिंट निकाले हैं और मैंने मोटिवेशनल कुछ कोटेशंस निकाले थे जिससे कि मुझे हमेशा मैं वॉल पे इसको लगा सकूँ और जब भी देखूँ तो मोटिवेशनल फील आए। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा उसको डेकोर करके वॉल पे लगा लिया है। तो आप देख सकते हैं ये अभी मेरा वॉल पे लग चुका है। बहुत ही अच्छे अच्छे कोटेशंस मैंने निकाले जिससे कि मुझे हमेशा मोटिवेशन फील होता रहे। तो इस तरीके से मैंने इसको लगा के चिपका लिया है वॉल पे। अब उसके बाद दोस्तों अब दोस्तों मैं ये बॉटल, इस तरीके की बॉटल आपको कहीं भी मार्केट में ईज़िली अवेलेबल हो जाएंगे, बहुत से सामान में ये निकलते रहते हैं। तो इस तरीके के बॉटल मैंने इसको लिए, मुझे स्टेशनरी के आइटम्स, छोटे छोटे जो क्राफ्ट के आइटम्स है उसको रखना था, तो इसके लिए मैंने इसको पहले कलर कर लिया है। तो ये आप देख सकते हो मैंने इसको कलर पेंट की वजह से, मतलब सॉरी पेंट के से इसको कलर कर लिया है। आप चाहे तो मार्कर की हेल्प से भी कलर कर सकते हो। उसके बाद ये जैम का बॉटल, इस तरीके के बहुत सारे बॉटल्स आपके घरों में बाद में निकलते होंगे यूज़ के बाद, तो आप इस तरीके की बॉटल का यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे मैंने इसको यूज़ कर लिया है, इसको ऐसे इस तरीके क्राफ्ट के आइटम्स छोटे छोटे जो भी रहते हैं जिसको, मतलब अगर हम एक साथ रखते हैं तो मिक्सअप हो जाते हैं, तो उसको सेग्रीगेट के लिए यूज़ किया है। अब मेरा नेक्स्ट DIY है कि मैंने इयररिंग होल्डर बनाए हैं, तो इसको भी मैं उसी अपने ऑर्गेनाइजर में रखने वाली हूँ, बुक सेल्फ ऑर्गेनाइजर्स में। और इसको बनाने के बहुत ही ईजी है, ये बनाने के लिए मैंने इस तरीके के मोटे से शीट का यूज़ किया है। तो ऐसा मोटा शीट आपको कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है, या आप फिर कोई कार्टन भी ले सकते हो। तो उसके बाद मैंने इसको ऐसे मोटे शीट को यूज़ करके ये एक शेप दे के मैंने इसको ऐसे कट कर लिया है। ये आप देख सकते हो मैंने इस शेप में कट किया है ताकि मैं उसको ईज़िली बना सकूँ। अभी मैं कट करने के बाद उसको ज्वाइंट करूँगी। तो ये ज्वाइंट करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अभी मैंने इसको पेपर से कवरअप किया है, उसके बाद मैं इसमें होल करके इस तरीके से इयररिंग्स को मैंने लगा लिया। तो ये मेरा फाइनल लुक है इसका। उसके बाद दोस्तों ये मेरे नेल पेंट्स और लिपस्टिक वगैरह रखने के लिए मुझे कुछ ऑर्गेनाइज़र चाहिए था, तो इस ऑर्गेनाइज़र को पहले मैंने ऐसे नॉर्मली यूज़ किया था कट करके कार्डबोर्ड का ही। फिर उसके बाद मैंने इसमें ऐसे सेपरेटर्स लगा लिए हैं जिससे ये इजीली रखा सके, क्योंकि उस टाइम जब मैंने रखा था तो ये बहुत ही मैशी हो जा रहा था। तो अभी मैंने जब जैसे इसमें सेपरेटर लगाया है तो इस वजह से ये इजी हो गया है मुझे यूज़ करने के लिए भी और रखने के लिए भी। अभी मुझे जो भी लिपस्टिक वगैरह चाहिए वो मुझे ईज़िली मिल जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ना ही सेग्रीगेशन होता है। तो आप इस तरीके का आइडिया भी ले सकते हो। उसके बाद दोस्तों ये आप देख सकते हो मेरे ऑर्गेनाइजर, बुक सेल्फ ऑर्गेनाइज़र का ये फाइनल लुक है। और अभी मैंने इसको फाइनली सारी चीज़ें अरेंज की है, मैंने नीचे ये जगह पे इसको बुक्स वगैरह रख लिए हैं, ऊपर में मैंने थोड़े कॉस्मेटिक्स रखे हैं, और ये आप देख सकते हैं, और वो सबसे ऊपर में मैंने स्टेशनरी और क्राफ्ट के आइटम रखे हैं। तो ये आपने देखा ही होगा मैंने जो मेरे लास्ट वीडियो में बनाया था DIY फोटो लैम्प। फिर उसके बाद ये ऐसे स्टेशनरी क्राफ्ट के आइटम्स रखे हैं, ये मेरा कॉस्मेटिक्स एरिया है, ये आप देख सकते हो बहुत ही अभी अच्छा और ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में, और बहुत ही सुंदर लग रहा है मेरा ये ऑर्गेनाइज़र जो भी मैंने ये दोनों बनाए हैं। तो ये मेरा कॉस्मेटिक सेक्शन था, और अभी ये मेरा बुक सेक्शन है, इसमें मैंने अपने सारे बुक्स वगैरह रखे हैं। तो ये मेरे टेबल का फाइनल लुक है दोस्तों।
आप देख सकते हो ये भी मेरे टेबल और स्टडी टेबल का फाइनल लुक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी और आपके संग शेयर करने की कोशिश करूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो जल्द मिलते एक नए वीडियो के संग, तब तक के लिए बी क्रिएटिव एंड बी हैप्पी। बाय।